कश्मीर में भी जम्मू में ही प्रशासन इनको रिहा करना उचित समझेगा, उन पर प्रशासन निर्णय करके अपना कदम उठाएगा। जम्मू में किया है, श्रीनगर में किया है, ये प्रश्न नहीं है। राज्य में शांति की व्यवस्था को देखते हुए जो भी आवश्यक कदम है वो प्रशासन उठाएगा। रामाधव जी, दूसरा है कि किश्तवाड़ में एक FIR दर्ज हुई है जिसमें कि कांग्रेस के पूर्व मंत्री के भाई को आतंकियों को शेल्टर देने के लिए बुक किया गया है, किस तरह देखते हैं? जिस तरह किश्तवाड़ में इस बीच में जो घटनाएं हुई है वो आपको मालूम है। हमारे दो बड़े यहाँ के समाज के नेता, राजनीतिक दल के नेता, उनकी निर्मम हत्या की गई है। उसमें कुछ दोषियों को पकड़ने की गतिविधि जारी है। एक तरफ NIA, दूसरी तरफ राज्य की पुलिस उसके लिए जांच पड़ताल कर रही है। उस क्रम में जो भी कदम सरकार या प्रशासन पुलिस उठाएगा उचित कदम होगा। 307 अड्डे के बाद एक ही दिन में 3 हमले होते हैं जम्मू कश्मीर में, उस पर क्या कहेंगे आप? अल्ली पोस्ट हमले, जो 3 हमले अभी बटोत, श्रीनगर और गांधरबल, क्या कहेंगे आप? सिक्योरिटी फोर्सेस को धन्यवाद दो, आतंकवादियों को यहाँ 3 घटनाओं में उनको मार गिराया गया है। हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस बहुत सतर्क है। Mr. Ramadhan, in your address, you said that the statehood will be granted back to J&K. When will it happen? No, that will be. Said that UT will be there sometime later. We'll have the full statehood. So can we have some time frame for that? Sir, no, no. That's thank you, Mr. Ramadhan. बहुत जल्दी ही यह राज्य एक पूर्ण राज्य की दर्जा लेकर विकास के पथ पर अग्रसर होकर आगे बढ़ेगी। पर्यावरण की व्यवस्थाएं भी इसीलिए की गई है क्योंकि यहाँ लोगों के जीवन की रक्षा हो, जान माल की रक्षा हो, शांति की व्यवस्था है, इसलिए कुछ व्यवस्थाएं की गई है। तो इन व्यवस्थाओं की भी परिस्थिति तात्कालिक है। अब कुछ लोगों को प्रिवेंटिव डिटेंशन में रखा गया है, 200-250 लोग आज प्रिवेंटिव डिटेंशन में है, एक तात्कालिक व्यवस्था है। उनके भी राजनीतिक अधिकार, उनको जैसे ही परिस्थिति सामान्य हो जाएगी उनके भी वो राजनीतिक अधिकार उनको वापस मिलेंगे, क्योंकि हमारे लिए केवल 200 बड़े नेताओं के राजनीतिक अधिकार मात्र राजनीतिक अधिकार नहीं होता है मित्रों। गांव में रहने वाला आखिरी व्यक्ति का राजनीतिक अधिकार तो उनको रक्षा करना है। उसके लिए अगर कुछ लोगों को कुछ समय के लिए कुछ प्रिवेंटिव डिटेंशन में भी रखना पड़े, उसको उसी व्यापक उद्देश्य को लेकर ही किया जा रहा है। वो भी जल्दी उस परिस्थिति से जब बाहर आएंगे, अब राज्य में बहुत बड़े विकास की व्यवस्थाएं बढ़ेगी, क्योंकि आज हम पूरे देश भर में एक ही संदेश देश की जनता को दे रहे हैं। हम भारतीय जनता पार्टी के लोग रहे और हम पहले भारतीय जनसंघ में रहे, तब से जम्मू कश्मीर के लिए, उसकी अखंडता के लिए, देश के अंदर संपूर्ण विलय के लिए संघर्ष कर रहे थे। इस देश के अंदर खंडित भारत की अखंडता के लिए सबसे पहला बलिदान अगर किसी ने किया हो तो डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, जो भारतीय जनसंघ के अध्यक्ष थे, उन्होंने किया था। द फर्स्ट पार्टियन द कार्ड ऑफ द यूनिटी ऑफ द डिवाइडेड इंडिया, पार्टीशन इंडिया का यूनिटी के लिए, इंटीग्रिटी के लिए द फर्स्ट मार्टियर वॉज द प्रेसिडेंट ऑफ जनसंघ श्यामा प्रसाद मुखर्जी। सबसे लेकर आज तक हम इस राज्य के हित के लिए, देश के अंदर संपूर्ण विलय के लिए हम संघर्ष करते आए हैं। आज वो स्वप्न हमारा, परिश्रम हमारा सफल हुआ, साकार हुआ। हम देश भर में कहते थे जम्मू कश्मीर हमारा है, ये नारा हम देते थे देश भर में। आज हम देश के जनता को ये बात कह रहे हैं, जब हम कहते हैं कि जम्मू कश्मीर हमारा है, इसका ये अर्थ नहीं है कि जम्मू कश्मीर की भूमि की बात हम कर रहे हैं। भूमि वैसे भी तो हमारा है ही, पर जब जम्मू कश्मीर हमारा है हम कहते हैं, तो हर नागरिक यहाँ रहने वाला हर कश्मीरी भी हमारा है। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। जो कुछ भी कदम प्रधानमंत्री मोदी जी उठा रहे हैं वो ये नहीं समझना कश्मीर के भूमि के लिए मात्र उठा रहे हैं, कश्मीर के आखिरी नागरिक के जीवन में एक नया सूर्योदय लाना, नए विकास का उदय लाना, इसके लिए मोदी जी ये कदम उठा रहे हैं। क्योंकि हमारे लिए हर कश्मीरी इस देश के परिवार का सदस्य है, इसलिए हम पूरे देश को कह रहे हैं भाई अब कश्मीरी को भी गले लगाओ, अब हर कश्मीरी को लगे कि पूरा हिंदुस्तान मेरा परिवार।
ही लेना होगा, टूरिज्म पे चलना होगा। देशवासी सबको कश्मीर जाना चाहिए, पहला छुट्टी कश्मीर में मनाना चाहिए। आज आनंद से मनाए, कश्मीर हमारा देश का अविभाज्य हिस्सा बन गया है। बाकी देश के तमिलनाडु जैसा, महाराष्ट्र जैसा, गुजरात जैसा, बंगाल जैसा, आज कश्मीर भी है, वहाँ छुट्टी मनाए। अग्नि तीर्थ यात्रा करना है, अमरनाथ यात्रा करो, वैष्णो देवी में जाओ। और घर में कोई अच्छा फंक्शन है, चारों दिन के उत्साह टूरिज्म करना है, जम्मू कश्मीर जाओ। सुंदर राज्य है, अनेक व्यवस्थाएं, अभी अभी मैंने देखा पट्टी टाप पे केबल कार भी लग गया है, विकास हो रहा है, टूरिज्म की व्यवस्थाएं बढ़ रही है। और आने वाले समय में भारत सरकार बड़े पैमाने पर यहाँ विकास के द्वार खोलने वाला है, और बड़े पैमाने पर यहाँ विकास होगा, जैसा मैंने कहा। राजनीतिक अधिकारों के साथ साथ विकास के अधिकार भी इस राज्य के आखिरी व्यक्ति को मिलेंगे, उसके लिए सरकार का प्रयास होगा। आज गांधी जी के 150वें जन्म जयंती के अवसर पर जम्मू कश्मीर वासी ये जो नया परिवर्तन अपने जीवन में आया है, उसका आनंद लेते हुए राज्य को एक अहिंसा के रास्ते पर, सत्य के रास्ते पर और एकता के रास्ते पर आगे ले जाना चाहिए। वही गांधी जी के लिए सच्ची श्रद्धांजलि होगी। मित्रों, इस राज्य में आतंक है, उसको समाप्त करना है, करने का दृढ़ संकल्प हमारे सरकार की है। आखिरी आतंकवादी को भी इस राज्य से बाहर किया जाएगा, न्यूट्रलाइज किया जाएगा, ये तो चलेगा ही। पर किसी के मन में हमारे राज्य के और लोगों के प्रति किसी प्रकार की घृणा नहीं होनी चाहिए, सब हमारे हैं। अगर कोई आज गलत रास्ते पर जा भी रहा है, उनको सही रास्ते पर लाने का हिम्मत और साहस हमको रखना है। गांधी जी उसी हिम्मत और साहस के प्रतीक थे, तो उस प्रकार उस रास्ते पे चल के राज्य की एकता और राज्य का विकास। आज यह राज्य कुछ समय के लिए यूनियन टेरिटरी के रूप में रहेगा। कुछ लोग गलत इसका इंटरप्रिटेशन कर रहे, फिर तो इस राज्य का दर्जा खत्म हो गया। नहीं, यूनियन टेरिटरी रहते हुए भी इस राज्य की असेंबली होगी, जनप्रतिनिधि होंगे, इस राज्य का भविष्य इस राज्य के जनप्रतिनिधि तय करेंगे। तो इसलिए यूटी स्टेटस होना, कोई अपने साथ अन्याय हुआ हो ऐसा सोचना गलत है। राज्य के लोगों के हित की पूरी रक्षा होगी, और धारा 370 हटने के बाद यह राज्य पूरे हिंदुस्तान में एक रूप में शामिल हो गया है। पर इसका अर्थ यह नहीं है कि जम्मू कश्मीर के लोगों का हित को अनदेखी किया जाएगा। नहीं, जम्मू कश्मीर के लोगों का जो हित है, उनका भूमि, उनकी संस्कृति, उनका विकास, उसको लेकर जो कुछ भी हित है, उसकी पूरी रक्षा करने की जिम्मेदारी भारत सरकार, मोदी जी की सरकार ले रही है। मित्रों, कोई किसी प्रकार की कोई संशय शंका होने का कोई कारण नहीं है। ये कश्मीर की जनता के हित के लिए उठाया गया कदम है। गांधी जी के नाम पर हम सरकार जो चला रहे हैं, गांधी जी के नाम पर ये सरकार जनता के लिए समर्पित है। गांधी जी का जीवन जनता के बीच रहा, जनता के लिए रहा। गांधी जी जनता का आवाज बनकर हमेशा काम करते रहे। आज मोदी जी भी जनता के आवाज का ही प्रतिनिधि के रूप में सरकार चला रहे हैं। इसलिए जम्मू कश्मीर में हर जनता